कॉमन टैक्स के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस सीरीज का 39वां एपिसोड है। मेरा नाम डीएम झा है। कैलेंडर वर्ष 2022 समाप्त होने में मात्र 15 दिन है, और इस परिस्थिति में यह लाजमी है कि हम म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करें, क्योंकि एक वर्ष पूरे होने को है, और देखें कि किस एएमसी या किस फंड हाउस ने कैलेंडर ईयर 2022 में कैसा परफॉर्म किया। और आज हम चर्चा करेंगे इसी क्रम में मिड कैप सेगमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में। किसी सेगमेंट का परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए ये जानना जरूरी है कि उस सेगमेंट का एवरेज कैटेगरी रिटर्न क्या है, और उस सेगमेंट में जो फंड हाउस हैं किन किन बेंचमार्क को फॉलो करते हैं और उसका रिटर्न क्या है। तो सबसे पहले इस सेगमेंट में कैटेगरी रिटर्न 5.54% है, जबकि इसमें दो बेंचमार्क एएमसी या फंड हाउस फॉलो करते हैं, उसमें से एक है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई मीन्स टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसका 6.58% है, और S&P BSE 150 मिड कैप टीआरआई, इसका रिटर्न 5.81% है। ये 14 दिसंबर 2021 से 14 दिसंबर 2022 तक के फिगर के हिसाब से है। हो सकता है अगले 15 दिन में फिगर में परसेंटेज वाइज में थोड़ा सा या तो पॉजिटिव या निगेटिव रिटर्न आए, लेकिन ऑलमोस्ट इसी के आसपास रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है वो निगेटिव में चला जाए, और जो पॉजिटिव वन फिगर में दिख रहा है वो टू फिगर्स में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा चेंज होने की संभावना है, बिकॉज 15 दिन अभी और बचे हुए हैं। तो इस सेगमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे उन फंड्स की जिन्होंने सबसे खराब रिटर्न दिया है इस सेगमेंट में, और उसके बाद बात करेंगे उन फंड्स की जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है इस सेगमेंट में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चार फंड्स की जिन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया है, और उसमें से सबसे अधिक निगेटिव रिटर्न दिया है DSP मिड कैप फंड ने, जिसका कि एक साल का रिटर्न -2.39% अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न 6.58%। 6.58% बेंचमार्क रिटर्न मीन्स ये फंड जो है निफ्टी 150 TRI को फॉलो करता है। उसके बाद फंड है जिन्होंने इससे कम निगेटिव रिटर्न दिया है, वो है आदित्य बिरला सनलाइफ मिड कैप फंड। इसका निगेटिव रिटर्न -1.72% है अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न 6.58%। 6.58% मींस अगेन इट फॉलोज द निफ्टी 150 TRI। तीसरा फंड है जिन्होंने इससे बेहतर रिटर्न दिया है निगेटिव सेगमेंट में, निगेटिव रिटर्न में, वो है एक्सिस मिड कैप। इन्होंने -1.35 रिजल्ट दिया है अगेंस्ट बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 5.181। एक्सिस मिड कैप फॉलो करता है S&P BSE 150 TRI को। और चौथा फंड जिसने निगेटिव रिटर्न दिया है वो है IDBI मिड कैप फंड, जिनका निगेटिव रिटर्न 0.34% है अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 6.5%। 6.5% इज ऑफ निफ्टी 150 TRI। तो ये चार फंड हैं जिन्होंने सबसे अधिक नेगेटिव रिटर्न इस सेगमेंट में दिया है, और हमने ये बताया कि इसके बेंचमार्क रिटर्न क्या थे और कैटेगरी रिटर्न क्या थे। अब हम बात करेंगे उन तीन फंड की जिन्होंने सबसे बेहतर रिटर्न दिया है इस सेगमेंट में, और उसमें से तीसरा फंड है SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जिनका रिटर्न एक साल का 15.16% है अगेंस्ट 6.58% ऑफ बेंचमार्क रिटर्न। दिस इज निफ्टी मिड कैप 150 TRI। उससे अच्छा रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने, दैट इज 16.25%, जो कि अगेन द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 6.58% ऑफ निफ्टी मिड कैप 150 TRI। एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड इट इज क्वांट मिड कैप फंड, जिन्होंने एक साल का रिटर्न 18.02% दिया है, ये भी फॉलो करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 TRI को। मैं फ्रेंड्स फिर बता दूं, एक साल मींस 14/12/2021 से, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है 14/12/2021 से 14 दिसंबर 2022 का फिगर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो रिटर्न है ये कल के दिन का है, मीन 14 दिसंबर तक का दिन का है। अभी कैलेंडर ईयर समाप्त होने में 15 दिन और बचे हैं, 15 दिन में थोड़ा सा रिटर्न इन तीनों कैटेगरी रिटर्न भी, और जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसमें भी, और रेस्पेक्टिव AMCs के रिटर्न में भी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होगा ये फिगर अचानक बहुत चेंज कर जाए।
और मैं बता दूं, मैं किसी भी फंड हाउस का या म्यूचुअल फंड का प्रमोशन नहीं करता हूं, ना ही मैं किसी का प्रोपेगेंडा करता हूं। ये मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है और इस इंडिपेंडेंट एनालिसिस के बेसिस पर निर्णय लेना ये आपके हाथ में है और निर्णय आप स्वयं लें। फ्रेंड्स, इसके पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में नहीं है और ना ही मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और मेरा कई वीडियो म्यूचुअल फंड्स पे है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां जाकर अपनी मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।